चैन में एक चैन बाकी था, लिखिए स्टील बैंड, पांचवा हाँ स्टील बैंड। चैन चैन कितने प्रकार का होते हैं उसमें, पांचवा लिखिए स्टील बैंड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। चलिए बताइए इंजीनियर्स चैन का, इंजीनियरिंग चैन का लंबाई कितनी होती है? 100 फीट चैन। कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100। एक कड़ी की लंबाई है ना, हाँ। और गंटर चैन की कड़ियों की संख्या? 100। एक कड़ी की लंबाई 0.66। और बताएंगे बताइए होता है 10 घंटे जरी बराबर क्या होता है? 1 फरलांग। 80 घंटे जरी बराबर 1 मील। आता है जेई में लिखवाया हूँ, जेई में आया अलग से लिखवाया हूँ उसमें, ठीक है। एक एकड़ में कितना बीघा होता है? अरे भाई ईघा बीघा खट्टा भट्टा हमको नहीं पता, हाँ हाँ वो सब हमको नहीं पता। आपको हम लिखपाल के लिखपाल की तैयारी थोड़ी करवा रहे हैं। आप बताइएगा रेवेन्यू चैन की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट। कितने कड़ी होते हैं? हाँ सके कितने कड़ियाँ होते हैं रेवेन्यू चैन में? 60। चलाओ मार देंगे सेवन, देख के थोड़ी बताना है। 16। एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 2 से 1/16 फीट है ना। उसके बाद आता है मेट्रिक चैन। मेट्रिक चैन कितने लंबा होता है? जनरली 20 या 30, ये 5-10 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मीटर वाले में जो बताइए, 20 मीटर वाले चैन जो होता है, एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। और 30 मीटर जो होता है उसमें एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर, उसमें 20 सेंटीमीटर उसमें भी। यानी 20 मीटर वाला चैन और 30 मीटर वाले चैन में एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है कि 20 मीटर वाले चैन में 100 कड़ियाँ होती हैं और 30 मीटर वाले में 150 कड़ियाँ होती हैं। कन्फर्म एक क्वेश्चन जय माता है इससे। अगला हमको पढ़ना है क्या, चारों पढ़ चुके थे, अब पढ़िए स्टील बैंड। स्टील बैंड क्या होता है? चैन नहीं होता है, एक टेप की तरह होता है ना, इसमें कड़ियाँ नहीं होती हैं। देखिए चैन से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, भारी होता है, ताम झाम होता है, कहीं फंस जाएगा है ना। तो हर जगह कहते लेखपाल चैन ही तो लेकर दौड़ता रहता है दिन रात, हाँ। अब लिखिएगा स्टील में, लिखिए इससे लिखिए, यह एक कड़ी रहित चैन होता है, यह कड़ी रहित चैन होता है, स्टील बैंड या बैंड चैन इसके कहते हैं। स्टील बैंड लिखिए, यह कड़ी रहित चैन होता है जो जनरली 20 या 30 मीटर में उपलब्ध होता है, हाँ जो जनरली 20 या 30 मीटर में उपलब्ध होता है। लिखेगा इस टेप की चौड़ाई 12 से 16 mm, इस टेप की चौड़ाई 12 से 16 mm, इस टेप की चौड़ाई 12 से 16 mm तथा मोटाई 0.3 से 0.6 mm होता है। 0.3 से 0.6 mm होता है। देखिए इसका प्रयोग अधिक शुद्धता से लंबाई मापने के लिए किया जाता है। देखिए इसके सिरे पर पीतल के एक हैंडल लगी रहती है, इसके सिरे पर पीतल के एक हैंडल लगी रहती है
एक हंडे लग रहती है, एक हंडे लगा रहता है। जो फिरकी जोर द्वारा जुड़ा रहता है, जो फिरकी जोर द्वारा जुड़ा रहता है। बस रन जी, अगला हेडिंग डालिएगा टेप। कल टेप ख़त्म कर देंगे, कल आरसीसी का एक नंबर का लगाएंगे। बस अगला लिखिए टेप, जोर द्वारा जुड़ा रहता है।